दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हर एक मीटिंग ऑनलाइन होने वाला है, तो इस दौरान हम लोग कैसे मीटिंग करें, कैसे जो है मीटिंग को अटेंड करें, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में आप जैसे जूम क्लोज मीटिंग ऐप सर्च करेंगे तो आपको फ्रंट पे ये ऐप आपको नज़र आएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है। ऑनलाइन जो भी मीटिंग होगा दोस्तों, अब इसी पे जो है मीटिंग किया जाएगा, तो उस पर कैसे मीटिंग करना है उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो आप लोग ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, चाहे वो जिस टाइप का भी मीटिंग हो ऑनलाइन का, आपको इस पे मीटिंग ही करना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आप दोस्तों, हमारा जूम मीटिंग का ऐप जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब इंस्टॉल करेंगे हम इसको, तो आप देखते रहें कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम अपने आप को यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि डाउनलोड हो गया तो ओपन लिखा है, ओपन पे क्लिक करना हमको दोस्तों। ओपन करेंगे तो इस तरह का ये थंबनेल आएगा, इस तरह से ज्वाइन मीटिंग और सिंग अप लॉगिन दिया हुआ है। तो हम ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम अपना यूज़र आईडी दे देंगे। तो यूज़र आईडी हमारे पास है नहीं, तो अभी हम बैक जाएंगे और सिंग अप के ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ में हम अपना जो डेट ऑफ बर्थ है सिलेक्ट कर लेंगे। हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो है इसे करके सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद अपना ईमेल आईडी देंगे हम। आपको मैं अपना ईमेल आईडी दिखा देता हूँ, कैसे हमें ईमेल आईडी कहाँ से मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। प्ले स्टोर पर आने के बाद जो है आपको इस तरह से क्लिक करना है अपने फ़ोटो पे, और आपका ईमेल आईडी दिखा देगा। जैसे कि देख रहे हैं JDU मीडिया संतोष जो है, मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। मेरा ईमेल आईडी है JDU मीडिया संतोष। mediasantosh@gmail.com नाम दे देना है संतोष। आप अपना नाम दें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैंने दे दिया और सिंग अप के ऑप्शन पे गया। ये बता रहा है यू सेंट योर मेल, मेल आईडी पे आपको वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है। तो आप अपने मेल आईडी पे चल जाएं, गूगल में जाएं, यहाँ देखिए जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल पे गए। और यहाँ हमारे पास एक देखिए आ गया है जूम, प्लीज़ एक्टिवेट योर जूम अकाउंट। जूम अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो है मेल आया हुआ है, एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे एक्टिवेट पे क्लिक किए तो ये हमारे पास जो है ये चला गया है वेरिफिकेशन के लिए। तो अब हमें क्या करना है, ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे किए, अलाउ किए, हम चले जाएंगे अब ऐप में। अब मीटिंग आईडी पूछ रहा है, मीटिंग आईडी जो मीटिंग के लिए हमें मिला हुआ है उसको, सबसे पहले जो है मीटिंग आईडी हमें नहीं मिला अभी, तो हम बैक आ जाएंगे, इसको काट देंगे। हम अपने ऐप को जो है ओपन करेंगे। ऐप को जैसे हम ओपन कर रहे हैं तो इस टाइप से आ रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। हम ज्वाइन मीटिंग करते हैं फिर भी वही आ रहा है। हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में फिर हमें पास जीमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा, JDU MIDEA SANTOSH@gmail.com। पासवर्ड जो है, अगर हमें नहीं पता है पासवर्ड, कोई नहीं रखे हैं हम, फॉरगेट कर लेंगे वो तो समझ में आ जाएगा। ईमेल आईडी देंगे, मेल पे हमारे पास एक मेल जाएगा, मेल चला गया मेरे पास। तो मेल जैसे गए हम, या नहीं तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, गूगल पे गए, गूगल मेरा अकाउंट डेडिकेट करेगा ये।
जिससे कि मैं गूगल अकाउंट डेडिकेट करवा दे रहा हूँ। जैसे कि मेरा देख पा रहे हैं आप, गूगल जो अकाउंट डेडिकेट कर गया, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो फॉर मार्च 18 मैं दे रहा हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जो अपना हो वो दें। और मैं ये दे रहा हूँ, ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया, कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए दोस्तों, नेट मेरा कुछ स्लो है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपका नेट जितना फास्ट होगा उतना इजीली काम होगा, उतना फास्ट में आपका काम भी होगा, क्योंकि मेरा नेट बहुत ज़्यादा स्लो है। जैसे कि मैं ये कर लिया, और उसके बाद अब देखते हैं दोस्तों, क्रिएट अकाउंट है लिखा हुआ, क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। आ गए हम अपने फिर से जो है जूम मीटिंग ऐप पे, ये कनेक्टिंग हो रहा है दोस्तों। क्या क्या परेशानी आ सकता है उसके बारे में मैं डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। देखिए दोस्तों, हमारा जूम मीटिंग का जो है ऐप वो अब ओपन हो चुका है। कि एड कॉन्टैक्ट, अगर किसी का नंबर सेव करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, मीटिंग के लिए यहाँ जा सकते हैं। आपका ये हुआ पर्सनल मीटिंग आईडी, आपका मीटिंग आईडी जो होगा, ये आपका मीटिंग आईडी हो गया। मीटिंग पासवर्ड, मीटिंग पासवर्ड कोई भी आप रख सकते हैं, जैसा कि मैं रख रहा हूँ संतोष, एस बड़ा में है, संतोष मैंने लिखा। मैं अपने मीटिंग आईडी का जो है पासवर्ड ये रखा हूँ। मैं अगर मीटिंग करना चाहूँ तो इस पासवर्ड को आपको देंगे, देने के बाद में मीटिंग जो है आपको एंट्री मिलेगा। कोई भी मीटिंग करता है तो उसका एक पासवर्ड होता है। स्टार्ट मीटिंग भी मैं कर सकता हूँ अगर मैं मीटिंग करना चाहता हूँ। मैं खुद से मीटिंग अगर रखना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करूँगा तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी ने मीटिंग पे जो है इनवाइट किया है जो मीटिंग में आने के लिए, तो आपको कैसे मीटिंग करना है वो मैं बता रहा हूँ। जो आपको इनवाइट किया है, तो इनवाइट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे आपको सूचना मिलेगा जो आज हम मीटिंग करने वाले हैं, तो आपको इस टाइप से लिंक मिल जाएगा। लिंक और पासवर्ड देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, तो लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पासवर्ड भी याद ध्यान में रखना होगा, जैसे कि 111213 पासवर्ड है। तो इसको मैंने क्लिक किया, जूम मीटिंग पे, जूम पे क्लिक किया, डायरेक्ट हम ऐप में चले जाएंगे। ऐप में जैसे जाएंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड जो है मैं दे रहा हूँ, पासवर्ड दिया, और अब ये मीटिंग में हम ऐड हो जाएंगे। और आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, मीटिंग का जैसे खबर मिले आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय देते हुए आप मीटिंग में ऐड हो जाए, क्योंकि एक मीटिंग में 500 सीट ही होती है, उसमें आपको ऐड होना है, तो जा करके आप मीटिंग को देख पाएंगे, सुन पाएंगे। इस तरह से अभी मीटिंग मेरा ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मीटिंग ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं हो पा रहा हूँ। अगर आपका मीटिंग स्टार्ट होगा तो आप लिंक के माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से डायरेक्ट मीटिंग में जुड़ पाएंगे, और आपका जो भी सीनियर होगा, जो भी पदाधिकारी होगा, उनसे डायरेक्ट आप मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।